तो भाई आज है दिन, और कल हमने ना उसका ये जो गियर बॉक्स ही फिट किया था, पर वो सक्सेसफुल वो नहीं रहा। ठीक है, तो आज हमने इसको खोल दिया। यहाँ भी ये रखा पीछे, पीछे रखा ही गियर बॉक्स है उसका। ये है ना, ये बिल्कुल सही चल रहा है फिलहाल। तो जैसे हम इसको टॉर्क कन्वर्टर को घुमाते हैं ना ऐसे, तो सही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, और कल हमने वहाँ पे उसमें ये फिट किया था मशीन के अंदर, तो उस मशीन स्टार्ट भी वो नहीं हो रही थी, और इसकी जो शाफ्ट होती है ना, ये वाली जो शाफ्ट है घूम रही थी वहां पे, और अब ये शाफ्ट बिल्कुल सही घूम रही है, बिल्कुल फ्री घूम रही है। तो फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इसको एक बार फिर से उसके अंदर फिट करूँ, तो फिर एक बार देखते हैं क्या होता, पिछली बार कुछ कमी रहेगी हो, या फिर ये जो इसका ये है ये उसके अंदर वो नहीं घुसा उसके अंदर इंजन के अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। अभी तो कुछ आवाज़ नहीं आ रही कि इसके अंदर कोई आवाज़ आ रही, कुछ टूटा हुआ है, पर ये जो टॉर्क कन्वर्टर है इसका बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ से वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। A few moments later. तो भाई बहुत देर मशक्कत के बाद भी ये वो नहीं हो रहा, ये जो इसका टॉर्क कन्वर्टर है बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी हमने इसका जो एक भयंकर सा वो कर दिया है इलाज, तो भाई इसका हमने है ना काट दिया बीच में से टॉर्क कन्वर्टर है ना इसका, ये देख लो बिल्कुल बीच से काट दिया है, खराब है ये टॉर्क कन्वर्टर है ना ये इसके अंदर फंसा हुआ है। जो जो इसके अंदर दांते होते हैं ना टर्बाइन के, वो टूट गए और फिर वो इसके इसके अंदर फंस गए। अगर हम इसको वैसे खोलते इससे या जोर जबरदस्ती से, तो फिर ये गियर बॉक्स की जो अंदर की शाफ्ट है ना वो टूटने का खतरा है, क्योंकि और अगर वो टूट गई ना तो फिर बहुत बड़ा नुकसान। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि इसको यहाँ से काट के फिर ये अलग अलग हो जाएगा, ये फिर आराम से बाहर आ जाएगा, इसका जो पीस होगा वो टूटा हुआ। और अभी ये ना कटा नहीं है, ये अभी से आधा कटा है यहाँ तक, तो ये यहाँ पे रह रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो इसको ये देख लो, इसके अंदर से आवाज़ भी आ रही है। ठीक है, तो इसको भाई खोल के और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ रहता है। इसकी जो ये पंप वाली जो शाफ्ट है ना इसकी, वो तो बिल्कुल सही है, और जो सेकंड वाली जो शाफ्ट होती है गियर बॉक्स की, वो भी बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं इसको काट रहा हूँ ताकि वो जो शाफ्ट है दोनों वो बिल्कुल सही आए बाहर। ठीक है, तो हम आपको कल, ठीक है, एक और ब्लॉक के साथ, और जो वो टॉर्क कन्वर्टर है ना वो अभी रह रहा है थोड़ा सा, तो उसको मैं काट कर फिर आपको बताता हूँ कैसे क्या होगा उसके अंदर। ठीक है, काम